बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। एन डी एस टेस्ट मास्टर की जानिब से आप सबको अपने चैनल में खुश आमदीद कहता हूँ। दोस्तों, हमने पेपर शुरू किया था स्कूल लीडर्स का। ये टेस्ट 25/6/2022 को हो चुका है। इसके 7 पार्ट्स में ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ और इस वक्त आखिरी पार्ट नंबर 8 अपलोड कर लेते हैं। पेपर भी काफी मुश्किल पेपर था और क्वेश्चन भी इसमें कुछ ऐसे थे कि जिनको हल करना जरूरी था, इसलिए टाइम ज्यादा लगा और ज्यादा पार्ट्स बनाने पड़े। तो चलिए शुरू करते हैं आज क्वेश्चन नंबर 75 से 100 तक। क्वेश्चन नंबर 75 देखिए। क्वेश्चन नंबर 75, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक महीने में कितने दिन नफली रोजे काफी हैं? तो इसमें करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन डी है, 3 दिन। क्वेश्चन नंबर 76, मोहम्मद बिन कासिम का इंतकाल कितनी उम्र में हुआ? 20 साल की उम्र में इंतकाल हुआ था। 695 में पैदा हुए थे और 715 में वफात पा गए थे, तो 20 साल बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 77 देखे। हु फाउंडेड अ कॉलेज इन अजमेर फॉर द चिल्ड्रन ऑफ प्रिंसली रूलर्स? लॉर्ड मेयो, ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 78 का आंसर प्लीज जल्दी से अगर किसी को पता है तो मुझे सेंड कर दे। दोस्तों, ऐसा है कि इस वक्त मैंने पेपर बाय पार्ट्स अपलोड किया है, आखिर में पूरे पेपर को एक ही वीडियो में अपलोड करूंगा, लेकिन जहां पर भी आपको गलती नजर आई या जो क्वेश्चन मैंने उनके आंसर नहीं दिए तो प्लीज उनको वेरीफाई करके मुझे सेंड कर दे। कुछ दोस्तों ने तो कुछ क्वेश्चन सेंड कर दिए, तमाम दोस्तों का शुक्रिया अदा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 79 देखे है। दर्ज झेल जुलू में पहली नहीं कौन सी है? मत डरो, ऑप्शन बी इसमें करेक्ट ऑप्शन है। और इस तरह क्वेश्चन नंबर 80 जो है ना, ये लफज समझ नहीं आ रहा कि ये क्या है, तो प्लीज इसको भी वेरीफाई करे, क्लियर करके मुझे सेंड कर दे, आंसर भी इसके साथ सेंड कर दे। क्वेश्चन नंबर 81 देखे। अब क्वेश्चन नंबर 81 से 84 तक ये एनालिटिकल रीजनिंग का क्वेश्चन है। अब अगर क्वेश्चन को मैं डिटेल से हल करूंगा तो एक मजीद वीडियो बनाना पड़ेगी, इसीलिए मैंने सिर्फ जस्ट आपको करेक्ट ऑप्शन बताऊंगा, उसको डिटेल से नहीं बताऊंगा। किसी और वक्त इसी क्वेश्चन को डिटेल से इंशाल्लाह सॉल्व करेंगे। और आई थिंक ये क्वेश्चन ऑलरेडी मेरे जो क्वेश्चंस है, मैंने 33 क्वेश्चन एनालिटिकल रीजनिंग का जो सीरीज है उसमें शायद ये क्वेश्चन ऑलरेडी पढ़ा हो। तो क्वेश्चन कुछ इस तरह, क्वेश्चन को जरा समझ ले। A shopkeeper is preparing gift boxes for a dress. Each box will contain exactly 2 kinds of summer dress to be selected from I, J and K and exactly 3 kinds of winter dress to be selected from L, M, N, O and U with the following restriction. J cannot be in the same U, J, U ke saath nahi aa sakta, L, O ke saath nahi aa sakta aur M, U ke saath nahi aa sakta. तो क्वेश्चन को अच्छी तरह से रीड कर ले। और क्वेश्चन नंबर 81 लिखा हुआ है, एफ जे इज इंक्लूडेड इन ऑन अ बैक इन अ गिफ्ट बॉक्स, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ काइंड ऑफ ड्रेस डेट मस्ट आल्सो बी इंक्लूडेड? तो इसमें करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन डी है, ओ। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 82 देखिए। 82 नंबर, If K is not included in a particular box, gift box, any of the following kind of dresses can be included except U. Option D is maybe correct option hai. Aur question number 83 dekhiye. 83. Which of the following kinds of dresses must be included in each of the gift boxes? Isme option C is the correct option hai. N. Question number 84 dekhiye. 84. If U is included in a gift box, the box must also include which of the following kinds of dresses? I and option B, I and K इसमें करेक्ट ऑप्शन है। अब क्वेश्चन नंबर 85 देखिए, केमिस्ट्री का क्वेश्चन है। द डिहाइड्रेशन ऑफ इथाइल अल्कोहल विद कॉनिक H2SO4 एट 170 डिग्री गिव्स इथीन, ऑप्शन बी इसमें करेक्ट ऑप्शन है। और क्वेश्चन नंबर 86 से के 86 नंबर क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज इनसॉल्युबल इन वाटर? ऑप्शन ए
एथानोल इज इनसॉल्युबल इन वाटर. ऑप्शन ए है. 84 नंबर क्वेश्चन देखिए. द पुलिस आर टू स्टॉप अ वेल फेंटेड ट्रक आर लेस लाइकली. ऑप्शन डी इसमें करेक्ट है. क्वेश्चन नंबर 88 देखिए. क्वेश्चन नंबर 88. Who wrote the poem Solitary Reaper? Williams Wordsworth. Option A correct hai. Question number 89 dekhe. 89. Do it quickly. Identify the underlined part of speech. Adverb hai. It is adverb. Option B hai. And question number 90 dekhe. 90. If it rains, the game will be cancelled. Identify the sentence. This is a conditional sentence hai. Option C hai. क्वेश्चन नंबर 91 देखिए. 91. कैन यू सी डेट प्लान. तो दिस इज इनडेफिनिट एडजेक्टिव. ऑप्शन बी इसमें करेक्ट. ऑप्शन है सॉरी इनडेफिनिट नहीं डिमॉन्स्ट्रेटिव है. ये डिमॉन्स्ट्रेटिव क्योंकि इशारा करता है. डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव ऑप्शन सी है. क्वेश्चन नंबर 92 देखिए. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द वेक्टर क्वांटिटी. लेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन पोर्स. ऑप्शन बी इज अ वेक्टर क्वांटिटी. इसमें ये ऑप्शन डी भी करेक्ट है लेकिन ये टोटली नहीं है पार्शली है. क्वेश्चन नंबर 93 देखे. यूरेनियम 230 डिकेज बाय एमिटिंग एन अल्फा पार्टिकल. व्हाट इज द डॉटर न्यूक्लियर थ्यूरियम. ऑप्शन बी. क्वेश्चन नंबर 94 देखे. 94. द लेयर ऑफ एटमोस्फियर आर डिवाइडेड इंटू फोर पार्ट्स. इसमें भी कहीं पर फाइव लिखा है कहीं पर फोर लेकिन एक बुक में मैंने पाप और पढ़ा है. क्वेश्चन नंबर 5 देखे. 5 नंबर क्वेश्चन. व्हाट इज द अपर लिमिट ऑफ रिएक्टर्स के. रिएक्टर्स के हैज नो अपर लिमिट. ऑप्शन डी करेक्ट है. 96 नंबर क्वेश्चन को देखे. 96. द मेजर रीजन फॉर यूजिंग नॉम रिपोर्ट टेस्ट इज टू क्लासीफाई स्टूडेंट्स. ऑप्शन बी इसमें करेक्ट ऑप्शन है. 97 नंबर क्वेश्चन देखे. कौन क्वेश्चंस फॉल अंडर द कैटेगरी ऑफ ओपन टिक क्वालिटेटिव. ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन है. और क्वेश्चन नंबर 98 देखें. 98 नंबर क्वेश्चन थोड़ा सा ये कंफर्म नहीं है मेरे तरफ से. द ग्रेटेस्ट द नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स. गलत जवाब. तो अगर आप एमसीक्यूज में ज्यादा नंबर सवाल इस तरह डाले गलत डाले तो इसका द ग्रेटेस्ट द ग्रेटर इज द पॉसिबिलिटी द स्टूडेंट कुड गेस द राइट आंसर. तो द ग्रेटर इज द पॉसिबिलिटी द लेस इज द पॉसिबिलिटी. अगर एक क्वेश्चन है कि आपने उसमें परस करे चार ऑप्शन है तीन ऑप्शन बिल्कुल गलत है तो जरूरी है कि वो गेस करेगा ग्रेटर इज द पॉसिबिलिटी. लेकिन ये क्वेश्चन मेरी तरफ से कन्फर्म नहीं. अगर किसी को इसका आंसर पता है तो प्लीज सिंड करते हैं. 99 नंबर क्वेश्चन देखे. द एक्सटेंट टू विच रिजल्ट आर कंसिस्टेंट ओवर टाइम एंड एन एक्यूरेट रिप्रेजेंटेशन ऑफ द टोटल पॉपुलेशन अंडर स्टडी इज रिफर्ड टू एज रिलायबिलिटी. ऑप्शन सी इसमें करेक्ट ऑप्शन है. और 100 नंबर क्वेश्चन देखे. 100 नंबर क्वेश्चन. कंसिडर द एग्जाम्पल ऑफ द थर्मोमीटर. इफ देयर इज अ सिस्टमेटिक एरर एंड इट मेजर 5 डिग्रीज हायर when the repeated reading has been taken under the same condition the thermometer will yield a reliable measurement but the interference about the temperature is faulty. option a is mein correct option hai. to iske sath paper complete ho gaya dosto. please jis jahan par bhi galtiyan hain unko nikal kar taki main aakhir mein full paper ko upload karu. video ko like aur share lazmi kiya kare. thank you for watching.